भाई, ये आपको आइडिया है, आप क्या बात कर रहे थे उस समय? हाँ, इसमें राकेश जी जो हमारे डायरेक्टर हैं जी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो मुझे बोल रहे थे आगे ध्यान से जाना, मुंबई पुलिस खड़ी है, हेलमेट पहन लेना। क्या बात है, नेक्स्ट। भाई ये अपने नाप के सिलवाते, दो और बंदों के कुर्ते बन जाते। ये इतने खुले खुले कुर्ते आपने बोला नहीं, टाइट करके दो हमें। कपिल, आप तो सलमान भाई को जानते हो, आपके प्रोड्यूसर हैं जी। हम दोनों की आदत इतनी खराब है कि प्रोडक्शन बजट बढ़ जाते हैं, तो प्रोड्यूसर ने अपना कुर्ता हमको दे दिया था पहनने के लिए शूटिंग के अंदर। नेक्स्ट भाई, इसमें क्या बातचीत हो रही है आपकी? आपको क्या लगता है भाई और मैं क्या बात कर सकते हैं? हम ये कह रहे हैं, जब कपिल नया नया मुंबई आया था पंजाब से, जो तस्वीर में पीछे खड़े हुए हैं ना, उनकी तरह लगता था। ओहो यार, ये मतलब ये तो मेरी उतरवा दी आप सबने। ओके नेक्स्ट। ओए ओए भाई, आप तो सलमान भाई को पहले से जानते हो, ये शुरू से शौक था उनको ट्रांसपेरेंट चीजों का? कपिल देखो, जिसके पास जो चीज होती है वही दिखाता है। अब तुम इस फोटो में देखो मैं कितना छुप के खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी नहीं है, मैं बॉडी छुपा कर खड़ा हुआ हूँ पीछे एकदम। पर आप बड़े हैंडसम लग रहे हो भाई। वो तो मैंने कहा ना, पैदा ही ऐसे हुआ था मैं। और भी है हमारे पास पिक्चर, दिखाइए। वाओ, ये तो ऐसे लग रहा है ना, फैमिली फोटो है ना एकदम। ये बिल्कुल फैमिली फोटोग्राफ, अच्छी सी फैमिली फोटो है हमारी। और एक्चुअली यार, इस फिल्म से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। राखी जी थी जी, लेट अमरीश पुरी साहब जी, और फिर काजोल, ममता और बहुत लोग थे, एकदम फैमिली की तरह हमने पिक्चर बनाई। तो ये तस्वीर देख के मैं काफी इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि सारे लोग जिन्होंने पैसे लगाए थे वो इस फिल्म में हैं, और जिन्होंने काम किया था वो इस फिल्म के अंदर। बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स हैं, आपकी यादें ताजा हो गई होंगी भाई, तो जोरदार ताले एक बार शाहरुख भाई के लिए हो जाए। भाई फैंस के दिलों दिमाग में तो अभी तक करण अर्जुन है, लेकिन मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, देखते हैं आपको कितना याद है। फिल्म की रिलीज डेट क्या थी? 25 साल हो गए आपने कहा जी, तो 2020 हो गए, 1995 में रिलीज हुई थी। वेरी नाइस, तो डेट? सलमान भाई की पिक्चर है, ईद में आई होगी। भाई आप भी तो थे उसमें, पर वैसे सीरियसली आपको याद नहीं है? मुझे याद ही, थोड़ा हिंट देगा तो बता दूंगा मैं। ये जिस दिन लोहड़ी होती है, जनवरी में 13 जनवरी को ये फिल्म रिलीज हुई थी। भाई फिल्म में जो गांव दिखाया गया था, आपको गांव का नाम याद है? हाँ, भानपुर, भानगढ़। नहीं, भानगढ़ जिला था, भानपुर गांव था, तुम्हें पता नहीं है, तुम फिल्म में थे क्या? अच्छा, ओके, ओके। हमें मालूम है ना, हमारे गांव का नाम भानपुर था, भानगढ़ वो था, जिला था। अच्छा, फिल्म में जो आपकी माँ थी राखी जी, वो तो आप दोनों का नाम लेती रहती थी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आपको माँ का नाम याद है? तोबा, सलमान और मैं कभी भी अपनी माँ का नाम जबान पर नहीं लेकर आते, माँ को हम सिर्फ माँ ही कहते हैं। बड़ा स्मार्टली आपने, आपको याद नहीं है ना? नहीं, मुझे याद है लेकिन बताऊंगा नहीं, माँ को हम माई बोलते हैं बस। वैसे फिल्म में उनका नाम दुर्गा देवी था। मेरी माँ का नाम मत बना दो। अच्छा, ये तो भाई याद होगा ही होगा 100% आपको, आपकी जो हीरोइंस थी काजोल जी और ममता कुलकर्णी, उनके कैरेक्टर्स के नाम क्या थे? ऐसे सोनी मोनी टाइप था कुछ। बिल्कुल ठीक, सोनिया नाम था काजोल का, और बिंदिया तो आपकी हीरोइन नहीं थी, बिंदिया उनकी हीरोइन थी। तो भाई तो किसी को कुछ भी बुला सकते हैं, मोनी बुलाते थे वो। सुन, मैं क्या बोल रही थी? क्या? वो पीछे ना मेरे पार्लर पर बैठे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। शाहरुख खान, कपिल की बहन सपना हूँ सर। नमस्ते सपना, कैसी हैं आप? कैसे? आपकी बहन है कपिल? नहीं भाई, मेरी बहन नहीं है, वो तो ऐसे डैडी मूड में थे तो हो गई होगी, आई डोंट हैव एनी आईडिया। क्या बकवास कर ले तू, पहली बार मिली है मेरे को, रिप्रोड्यूस तो कर। अबे रिप्रोड्यूस नहीं होता, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोड्यूस। हाँ भाई, ये है बस, जैसे दुनिया आती है ये भी आ गई बस। अमित से बात करना मेरे से। सर आप मन्नत में रहते हैं ना, ये खुन्नस में रहता है हमेशा, वो भी मेरे साथ। खैर, आपको देख के बहुत अच्छा लगा सर। वैसे माधुरी जी ने दिल तो पागले में बिल्कुल सही बोले ले था, कि ऊपर वाले ने किसी ना किसी के लिए किसी ना किसी को जरूर बनाए ले।
तो लड़कियों के लिए शाहरुख खान और लड़कों के लिए सपना। तेरे को शर्म नहीं आती? कैसी हीरोइन लग रही तू, तेरा मुंह राजा मुराद से भी बड़ा है। क्या बकवास कर रहे तू? क्या तू? बस सर से बात करने दे मेरे को। खैर सर, आज कमाल का दिन है। करण अर्जुन 1995 में रिलीज हुई थी। जी जी। आज 2020 है, 25 साल हो गए करण अर्जुन के लिए। जोरदार ताली हो जाए। मैं सच्ची बोलती है, फिल्म इंडस्ट्री में 25-30 साल टॉप में रहना कोई छोटी बात नहीं रहती। हाँ मैं सर एक साल से स्कर्ट में हूँ, मैं परेशान हो गया। आप लोग टॉप में कैसे रहते हैं सर? बहुत कमाल की बात। लेकिन कप्पू तेरे को एक सच्ची बात बोलूं? क्या? मेरी ना शाहरुख सर से पिछले साल शादी हुई थी। क्या झूठ बोल रही है? हाँ सच्ची में। आप भूल गए क्या? क्या चीज? हम लोग की शादी हुई थी। बड़े आदमी ना बिजी रहते, भूल गए रहेंगे आप। हम लोगों ने ऐसे फेरे भी लिए थे। ओके। और वो पंडित ने बोला था कि 7 जन्मों तक आप एक दूसरे के साथ है, लेकिन आपने बोला नहीं, सिर्फ 70 मिनट है तुम्हारे पास। जो करना है कर लो, याद है आपको सर? हाँ शायद। फिर 35 मिनट हम लोग की कुछ ऐसा बातचीत हुई थी। हाँ। तो 35 मिनट रह गए सर, तो मैं अब आई लिए और मैं सर ये भी लेकर आई है। आज इतने सारे पुलिस वाले, मेरे को शगुन डालो ना आज। बहन क्या है? बहन नहीं, वो 20 साल पहले 70 मिनट का जमाना था, अब तो 35 भी नहीं होते मुझसे। सो प्लीज थोड़ा सा जो तुम्हें उस वक्त मिल गया फर्स्ट हाफ में, उसी में खुश हो, उसी में मौज बना लो, बस उसी की यादों से। मेरे को थोड़ा शगुन नहीं डालेंगे क्या पैसे का? अच्छा पैसे भी लोगे आप? एक मिनट, मेरे पास है नहीं ज्यादा। मैं एक, अरे वाह शाहरुख सर पैसा दे रहे, ये लो, ये 10 और ये 1 रुपया और 11 रुपए हो गए मुंह दिखाई के। ठीक है, ये क्या सर शाहरुख खानों के 11 रुपए? अरे यार जो थे वो दे दिए मैंने, वो है नहीं, 1 रुपया और है, देख लो ये लो। ठीक है 10 रुपए और ये तो घर जाने के लिए भी तो रखूंगा ना, ये 1 रुपया तुम रख लो, ये मुझको वापस चाहिए स्कूटर के लिए। सर एक काम करो ना, वो जो अनुष्का को आपने रब ने बना दी जोड़ी में वो 3 मैजिकल वर्ड बोले थे ना, वो मेरे को एक बार बोलो ना सर। अच्छा इधर आओ, तुम आगे आओ, मैं सॉरी हाँ तुम्हारी बहन के साथ ले जाओ इसको। नहीं नहीं लेके नहीं जाऊंगा, इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। सॉरी। तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है, तुम्हारी नाक को छूकर महसूस होता है, तुम्हारे होंठों को हाथ लगाकर मालूम पड़ता है, सिर्फ एक ही बात दिल में आती है। हाँ सर। तुझमें मर्द दिखता है यारा, मैं क्या करूं? मर्द? बहुत इंसुलेट हो गए रे मेरे। खैर मैं चलती है सर। ओके। एक्चुअली आप आएंगे ना हमारे उधर, हमारे मसाज पार्लर है मेरा। मैं मसाज कराने जरूर आऊंगा। हाँ सर आइएगा जरूर। थैंक यू। एक्चुअली वो देवदास में आपके साथ है ना जैकी दादा? हाँ हाँ। हाँ वो अपनी बनियान छोड़ गए, वो मेरे को शराफ करने के लिए जाना है, तो मैं जाती हूँ। धन्यवाद आप सबका। प्लीज वेलकम द बिगेस्ट एंटरटेनर ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री कपिल शर्मा। एंड टू प्रेजेंट द अवार्ड, can we request Anushka Ranjan and Mahima Chaudhary to come on stage and give the award to Mr. Kapil Sharma. थैंक यू अनुष्का, थैंक यू महिमा जी, बड़ा देखा आपको फिल्मों में, करीब से और प्यारी लगती हैं आप, अच्छा लग रहा है। महिमा जी थैंक यू सो मच, एंड शशि जी, अनु जी थैंक यू सो मच, और ITA 19 साल में पहली बार ITA जो है मुंबई से बाहर आया है, 18 साल तक इन्होंने भी नहीं निकाला, बालिक जब तक नहीं हो गया। इंदौर वासियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं थोड़ा और आगे आ जाऊं, मेरे को आदत है इंदौर में आता रहता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इंदौर वाले और अमृतसर वाले सेम है, आई एम बेसिकली फ्रॉम अमृतसर, तो पहले मुझे लगता था अमृतसर वाले खाना खाते हैं,
मैं अभी होटल से बाहर निकला, लगे पड़े हैं, पेल रहे हैं धड़ाधड़ पानी पूरी चाट पपड़ी। मैंने मुंबई में और इंदौर में सर एक फर्क देखा है, मुंबई शहर इतना बिजी है, किसी से पूछ लो आप कहां से आ रहे हो, आई एम कमिंग फ्रॉम मीटिंग, वेयर आर यू गोइंग, गोइंग फॉर ए मीटिंग, शाम को क्या, आई हैव अनदर मीटिंग। इंदौर वालों से पूछ लो कहां से आ रहे हो, मैं खाना खा के, जा कहां रहे हो, मैं खाना खाने, शाम को क्या करोगे, खाना खाएंगे, मैं कह रात को फिर सो जाएंगे, सारा दिन खाना थोड़ी खाते रहेंगे। एक हमारा दोस्त है जो हमारे ड्राइवर भाई साहब लेके आए हमें इस समय, है यहाँ पे यशपाल, ये हमारे ड्राइवर यशपाल जी, क्या हाल है यशपाल जी। मैंने यशपाल से पूछा, मैंने कहा इंदौर की और कौन सी खासियत है, कहते सर जी एक तो यहाँ के लोगों को लगता है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं कह इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, जो जो हम लोग प्लान कर रहे हैं अपने देश को खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, इंदौर वासी कर रहे हैं, जो काबिले तारीफ है आप लोगों की, आपने शहर को इतना साफ सुथरा रखा हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अरे क्या बात है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इंडियन आइडल के जज विशाल दद्लानी का। शायद तुम्हें पता नहीं है कि हर पीने वाले ड्रिंक को पानी नहीं कहते, वैसे ही हर गंजे इंसान को विशाल ददलानी नहीं कहते। अरे ये तो अपने शकल जी हैं। वेलकम माई फ्रेंड, वेलकम। वैसे ये आपके हाथ में क्या है, तुम इसे नहीं जानती? नहीं। अजीब जानवर है ये, कितना भी खाए भूखा रहता है। तो आप इसे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि मैं इंदौर वालों को कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? इंदौर वालों, इसे जानते हो, अजीब जानवर है ये, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। हाँ जी, वो हमने सुन लिया कि बहुत अजीब जानवर है और कितना भी खाए ये भूखा ही रहता है। इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं आप? मुझे टीवी वालों से कुछ कहना है। हाँ तो सारे टीवी वाले यहीं पे, प्लीज जल्दी कहिए। टीवी वालों, इसे जानते हो, अजीब जानवर है ये, कितना भी खाए ही रहता है। जी हाँ, हम जानते हैं। अजीब एंकर है ये, कितना भी हंसा लो फिर भी गुस्सा ही रहता है। तुमसे तो अच्छा मेरा मगरमच्छ है, कितना भी खा ले। अरे बस यार, बस हो गया,